जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एरे के प्रोग्राम बना रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यूजर से हमें 5 नंबरों को इनपुट करना है और ये किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के नंबर होते हैं और फिर उन सारे नंबरों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद उनकी परसेंटेज निकालनी है और उसके बाद हमें ग्रेड कैलकुलेट करना है। अगर बच्चे का परसेंटेज होता है 85 से 100 के बीच में तो उसको A+ ग्रेड देना है, अगर उस बच्चे का परसेंटेज 70 से 85 के बीच में होता है तो A ग्रेड होता है, 60 से 70 के बीच में होता है तो B ग्रेड होता है। इस तरह से हमें ग्रेड कैलकुलेशन करना है, लेकिन कैसे करना है, एरे के थ्रू। और यूजर जो इनपुट करेगा वो भी हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू इनपुट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मार्क्स नाम का एक एरे बनाया है और यहाँ पे कर दिया न्यू और यहाँ पर कर दिया है एरे। एरे की साइज हमने 5 इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट के नंबर स्टोर करने हैं। अगर 5 से अधिक होता तो हम साइज को इंक्रीज करते। और यहाँ वेर हमने बना लिया, 2 वेरिएबल और बनाया है, एक का नाम है सम और दूसरे का नाम है पर मतलब परसेंटेज के लिए। और तीसरा भी हमको एक बनाना पड़ेगा, उसका नाम हम दे देंगे ग्रेड। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने फॉर लूप लगाया है, आई को कर दिया हमने 0 एंड i<5 एंड कर दिया i++, यानी लूप हमारा ये 5 बार चलेगा। एक बार जब i की वैल्यू 0 होगी, दूसरी बार i की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी एंड 5 होगी। और यूजर जो नंबर इनपुट करेगा वो नंबर हमारा यहाँ पे आएगा, यूजर जो हमारा इनपुट करेगा वो नंबर हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, यूजर जो इनपुट करेगा वो नंबर हमारा यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर फॉर लूप हम लगाएंगे। फॉर लूप लगाने के बाद फिर हम वेर पे जाएंगे, आई इक्वल टू 0 कर देंगे, i<5 एंड i++। तो ये जो लूप लगाया गया है किसके लिए लगाया गया, नंबर को इनपुट लेने के लिए। और ये जो लूप लगाया जा रहा है वो सारे नंबरों को एक साथ प्रिंट करने के लिए। तो जैसे नंबर को हम एक बार प्रिंट करेंगे और दूसरी बार हमको प्रिंट करना होगा और हमें नई लाइन इंसर्ट करने की जरूरत होगी, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाएंगे और राइट में हम लगा देंगे ब्रेक रो, तो डबल इंडेंट कॉमा के भीतर हम लगा देंगे br। और सबसे लास्ट में आने के बाद, सबसे लास्ट में आने के बाद हम इसको कर देंगे, ये हमारा रो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब हमें इसी समय सारे मार्क्स को जोड़ना भी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस, और जो हमारा मार्क्स होगा कहाँ पर होगा, वो होगा मार्क्स के आई लोकेशन की वैल्यू। ठीक है, और यहां पर जो हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे यहाँ पे मार्क्स लिख देंगे, ये सब कुछ क्या करेगा, जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद किसमें स्टोर कर देगा, सम वेरिएबल में। अब हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम लगाएंगे यहाँ पर इक्वल टू मार्क्स डिवाइड बाई 5। ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू सम सम डिवाइड बाई 5, सारे नंबरों को जोड़ के 5 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, परसेंटेज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें प्रिंट कराना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे डबल इंडेंट कॉमा और यहां लिख देंगे टोटल मार्क्स इक्वल टू, फिर हम लगा देंगे यहां पर प्लस, फिर हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, मार्क्स वो सब किसमें स्टोर है, सम में, तो हम यहाँ पे सम को प्रिंट करें। ठीक है, उसके बाद सम तो हमारा टोटल आ गया, अब हमें परसेंटेज को प्रिंट कराना है,
फिर वही काम डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे हमें किसको प्रिंट कराना है, परसेंटेज को, तो डबल इनवर्ट कामा में आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज इक्वल टू, फिर हम इसको कर देंगे बंद और यहाँ पे कर देंगे प्लस और यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, परसेंटेज। अब हमको ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम इफ का इस्तेमाल करेंगे, इफ। अब हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर भी लगाएंगे, हम लिखेंगे परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 आर सॉरी एंड परसेंटेज इज लेस देन 100 लेस देन आर इक्वल टू 100। हाँ तो यहां पर हमारा क्या वैल्यू आना चाहिए, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या प्रिंट करना है ये वैल्यू हमें यहाँ पर देना हो, हम लिख देंगे ए प्लस। ठीक, ए प्लस रेड, हाँ हाँ लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर, ठीक है हो जाएगा। फिर हम लगाएंगे एल्स इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हम लिखेंगे परसेंटेज इज ग्रेटर देन, अब देखो सेकंड कंडीशन देखना है आपको, 70 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 एंड परसेंटेज इज लेस देन आर इक्वल टू कितना 80। यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, लेस देन 80 करेंगे, क्योंकि जब 80 के बराबर होगा तो इस ग्रेड पे आ जाएगा, ए प्लस पे आ जाएगा, समझ रहे हो ना, और 80 से छोटा रहेगा तो किस पर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, यानी 70 से लेके 80 के बीच में होगा तो हमारा दूसरा ग्रेड बन जाएगा। और यहाँ पर हम लगा देंगे कौन सा ग्रेड, ए ग्रेड, ठीक है। सेम चीज को रिपीट कर दीजिए, कॉपी एंड पेस्ट। अब अगली कंडीशन क्या है, कहा जा रहा है कि अगर 60 से 70 के बीच में हो तो बी हो, 60 से 70 के बीच में तो परसेंटेज इज ग्रेटर ए प्लस हो गया, ए हो गया। अब 60 से 70 के बीच में रखना है तो परसेंटेज इज ग्रेटर आर इक्वल टू 60 एंड लेस देन 70, 60 से 70 के बीच में कौन सा ग्रेड, okay। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया गया है, 50 से 60 के बीच में सी, तो यहां पे हम कर देंगे सी ग्रेड, कब से कब के बीच में है, 50 से 60 के बीच में, यहां कर देंगे 50 और यहां कर देंगे 60, जैसे 60 आएगा तुरंत आ जाएगा इसमें, और 60 से छोटा रहेगा तो क्या रहेगा, सी ग्रेड होता है ना, बच्चा 59% पाया तो कौन सा है, बी बी डिवीजन आता है ना, बी क्या करें सेकंड डिवीजन, और जैसे 60 होता है वो फर्स्ट हो जाता है, होता है ना, वही चीज में भी है,
जब तक इसका नंबर जो है 50 से छोट 60 से छोटा रहेगा तब तक सी ग्रेड रहेगा। चलो उसके बाद और ग्रेड बनाइए, एक दो तीन चार, तो हमारा कहां तक हो गया, ए बी सी हो गया। सी के बाद अब हमको देखना है कहां से कहां तक है, सी के बाद है डी, 40 से 50। चालीस से पचास के बीच में, तो ग्रेटर देन 40 और लेस देन 50, कौन सा ग्रेड? डी। और इसके अलावा अगर क्या है 40 से कम है तो सीधे लिख देंगे परसेंटेज इज लेस देन 40, तो क्या हो जाएगा फेल। ठीक, और फेल के बाद वाला सारा एल से फटा दो। ठीक है, इसको हम करेंगे फाइल में आके। इसको फाइल में आके करेंगे सेव। अब एक बार इसका आउटपुट देखते हैं, इसको फाइल में आया, हमने सेव एज कर दिया और डेस्कटॉप पर हमने एरे के नाम से इसको सेव कर दिया। डेस्कटॉप पर एरे के नाम से हमने कर दिया सेव। आउटपुट देखते हैं, सबसे पहले पूछा नंबर, हमने इनपुट किया 80, फिर पूछा हमने कर दिया 89, फिर हमने कर दिया 75, फिर हमने कर दिया 78, फिर हमने कर दिया 72। अभी आगे की चीज प्रिंट नहीं हुई है, जितना चीज इनपुट किया था वो सब आ गया। अब देखें रूप कहाँ रहा है, अच्छा बैठा हुआ मैंने। अच्छा ये डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल है, डी स्मॉल रहता है ना। फाइल में आइए, करिए सेव, पेज को करिए रिफ्रेश। टोटल मार्क्स अनडिफाइंड, टोटल मार्क्स नहीं आ रहा है, परसेंटेज NaN फिर आ जा रहा फेल। अच्छा टोटल मार्क्स में वैल्यू नहीं आ रही, आपकी टोटल वैल्यू आ गई ना, लेकिन टोटल से वैल्यू ऐसे लिखता चला गया है, जोड़ा नहीं है सबको। रुको देखने दो, बता रहे
टोटल वैल्यू अगर आ जाएगी तो कैलकुलेशन हो जाएगा, टोटल पे आके रुक जा रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस। हाँ और को देखने दो एक बार, मार्क्स के आई पोजीशन की वैल्यू सही चल रहा है। लूप सही चल रहा सम में कोई वैल्यू नहीं, सही बना है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। क्या चीज कहाँ पे? आओ आओ मेरे पास आओ, लो बताओ आओ। नहीं आइडिया आना था, इंप्लीमेंट करना चाहिए। लो लिखो कहाँ पे क्या करूँ, क्या लिखूँ, लो माउस लो बताओ, देखें उस पर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। फाइव